सो अ वेरी warm गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड माई व्यूअर्स हेलो एवरी बच्चे लोग जो हैं ना <laughs> तो <laughs> हमारे व्यूअर्स भी हैं ना भाई मान लीजिए आप लोग हैं साथ में हमारे व्यूअर्स भी हैं काफ़ी बेसब्री से वीडियोस का इंतज़ार करते रहते हैं तो आप भी हैं कभी आप लोगों को मिलवाएंगे भी हमारे सारे व्यूअर्स से नहीं कोई लंदन के हो सकते हैं कोई यूक्रेन के हो सकते हैं कोई कहीं के हो सकते हैं बिकॉज दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ फॉर द होल वर्ल्ड नो दिस इज़ नॉट फॉर ओनली द आवर सिटीज एंड आवर डिस्ट्रिक्ट एंड वॉट ओवर द स्टेट्स एंड वॉट ओवर द कंट्रीज यू हैव दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द होल वर्ल्ड नो सो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आज हम सब लोग जो है ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे है ना आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो दिस इज वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ द मैथ्स एंड आप सबको पता है कि मैथ्स का धीरे धीरे डिटोरिएशन्स हो रही है हम सब समझ पा रहे हैं कि मैथ्स कहीं ना कहीं बच्चे काफ़ी डरते हैं काफ़ी बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं एक्चुअली में उनकी लैंग्वेज नहीं क्लियर हो पा रही है कि आखिर हम कैसे लिखेंगे ये कहीं ना कहीं हमारे हमारे और एक टीचर आपके और एक टीचर के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस समझते हैं ना हम अपने दुनिया में हैं और टीचर्स अपने दुनिया में हैं हम दोनों थोड़े दूर हो गए हैं जिसके कारण से मैथ्स थोड़ा वीक हो गया है थोड़ा ध्यान से सुनिए हमको अगर एक क्वेश्चन कोई देता है बनाने के लिए हम जानते भी हैं बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको क्वेश्चंस बनाना आता है लेकिन बहुत सारे बच्चों से हमने जब बात करी तो उन्होंने एक ही लाइन हमसे प्रॉब्लम पूछा मैक्सिमम बच्चों ने एक ही प्रॉब्लम बोला कि सर हमको समझ रहे हैं कि हमको क्या लिखना है मतलब बना लेंगे लेकिन हम स्टार्ट कहां से करें लिखे कहां से कैसे शुरुआत करें यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कॉमनली हर स्टूडेंट से हमको सुनने को मिला कि सर हम मैने समझ पा रहे हैं हम बना भी लेंगे लेकिन कहाँ से लिखें कैसे लिखें ये हम नहीं इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों एन सी ई आर टी आप सबको पता है कि आप और हम यहां जो जुड़े हैं वो एक ही मकसद है और वो है हम सबको नंबर अच्छा करना नंबर अच्छा गेन करना और वो है आपका एन सी ई आर टी को अपना बेस बना लेना एन सी ई आर टी इज द सफिसियंट है ना जो हम सबको बहुत ही अच्छा मार्क्स दिला सकते है तो एनसीआरटी का लाइन बाय लाइन इवन उसका एग्जाम्पल भी कि एक बात हमेशा याद रखना है कि आपका जो एग्जाम्पल है ना एनसीआरटी का जो एग्जाम्पल है वो भी डिफरेंट होता है एक्सरसाइज से तो एक्सरसाइज का तो क्वेश्चन जरूर बनाइएगा लेकिन एग्जाम्पल भी बनाइएगा कारण जानते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है बोर्ड एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में बउुआ बोर्ड एग्जाम में कि आपका एग्जाम्पल पूरा उठा के डाला हुआ है ऐसा भी हम लोगों ने देखा एक बार कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आ गए तो बच्चे एग्जाम्पल सोचकर ये सोचते हैं कि एग्जाम्पल का है तो चलो बना लेंगे लेकिन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज से भी कभी कभी बेस्ट क्वेश्चन डिलीवर कर देता है तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर है ना हमारा जो एल्जेब्रा है जिसमें से बीस या इक्कीस मार्क्स का क्वेश्चन होता है बाईस मार्क्स का क्वेश्चन होता है है ना तो पूरा अल्जेब्रा पार्ट जो है अल्जेबरा में हमारे पांच चैप्टर है रियल नंबर है है ना उसके बाद है उसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन है उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड एक है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो रियल नंबर बच्चों रियल नंबर थोड़ी सी थोड़ी सी उसके एकाद क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम टाइम पूछ दिए जाते हैं लेकिन हम लोग जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों वो है आपका दैट इज द पॉलीनोमियल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि रियल नंबर थोड़ी सी इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट लेस चाप्टर है इंटरेस्ट लेस का मतलब होता है थोड़ा आपका हाथ रुक जाएगा जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल से एंड पूरी उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखेंगे इस क्लास को एकदम लास्ट तक सीरियसली देखेंगे और ताकि आपका इस वीडियो देखकर इस क्लास को लेकर आपका एन का हर इग्जाम हर क्वेश्चन अपने आप में बन जाना चाहिए अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट होता है मेरे बताने के अलावा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल देंगे कमेंट सेक्शन में आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन या एग्जाम्पल का नंबर टाइप कर देंगे ओके गाइस सो लेट्स स्टार्ट टू द वेरी सेकंड चैप्टर ऑफ द एनसीआर द मैथ्स एंड दैट इज एकदम ध्यान से समझना है पॉलीनोमियल एकदम ध्यान से हम वही बातें करेंगे बच्चों जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा उसमें कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है पॉलीनोमियल्स में हम सिर्फ वही टॉपिक यूज करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कभी भी पूछा गया है है ना तो ध्यान से सुनिएगा देखिए बच्चों पॉलिनोमियल हम सब जानते हैं कि पॉलिनोमियल को थोड़ा सा ब्रेक करिए पॉली का मतलब हम सब जानते हैं कि पॉली का मतलब होता है मेनी पॉली का क्या मतलब होता है मेनी एंड जो ये मियल लगा होता है ना इसका मतलब होता है टर्म ठीक है ना बच्चों तो जिसमें ज्यादा टर्म होता है है ना पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें ज्यादा टर्म होता है उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं दैट्स ऑल लेकिन अब आपका पहला टॉपिक है बच्चों पहला टॉपिक है जिसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं ध्यान से सुनिएगा यह क्वेश्चन पूछा जाता है यह क्वेश्चन पूछा जाता है आइडेंटिफिकेशन एकदम ध्यान से समझिएगा यही है पहला टॉपिक पोलिनोमियल का बउआ ध्यान से सुनिएगा आइडेंटिफिकेशन मतलब अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ ये पोलिनोमियल है या नहीं ध्यान से सुनिएगा बुआ क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं आइडेंटिफाई करना है तो बच्चों इसके आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही बात याद रखना है ध्यान से सुनिए पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है और वो है आपका दैट इज पावर पावर ऑफ वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट नॉट मस्ट नॉट इन निगेटिव मस्ट नॉट इन निगेटिव और फ्रैक्शनल एकदम थोड़ा ध्यान दीजिएगा बउआ प्लीज हम टॉपिक वाइज आपको बता रहे हैं एकदम टॉपिक वाइज यहां ध्यान दीजिए पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट नॉट इन निगेटिव और फ्रैक्शनल मतलब पहला टॉपिक है कि आपको चार पांच क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको पहचानना है कि बताओ इसमें पॉलिनोमियल कौन है या नहीं है उसको पहचानने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है वेरिएबल और उसका किसको देखना है पावर देखना है जो कि ना तो निगेटिव में होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल होना चाहिए तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों बउवा यहां ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में आइए सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा थ्री एक्स स्क्वा प्लस फाइव एक्स गौर से देखिए बउवा क्या ये पोलिनोमियल है है ना तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहां वेरिएबल कौन दिख रहा है एक्स क्या दिख रहा है वेरिएबल एक्स यहां पे वेरिएबल कौन सा दिख रहा है एक्स और x का यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है टू और इसका पावर क्या दिख रहा है वन तो बच्चों हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है वेरिएबल से और वेरिएबल के ऊपर दिख रहे पावर से अगर उसका पावर माइनस में दिख रहा है या फ्रैक्शन में दिख रहा है बट्टा में दिख रहा है तो वो आपका पॉलिनोम नहीं है तो बच्चों गौर से यहां ध्यान दीजिएगा यहां पे आपका जो दोनों पावर है वो क्या दिख रहा है बुआ प्लस में दिख रहा है इसका मतलब ना तो ये माइनस में है और ना ही ये फ्रैक्शन में है तो क्या ये पोलिनोमियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यस इट इज अ पॉलिनोमियल दूसरा एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जैसे मान लीजिए बउवा माइनस फाइव एक्स का पावर माइनस वन ध्यान दीजिएगा माइनस फाइव एक्स का पावर माइनस वन एंड प्लस फाइव एक्स स्क्वायर अब बताओ क्या ये पॉलिनोम है नहीं है क्यों नहीं है भैया क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है ना उसका पावर देखिए गौर से एक जगह तो प्लस है लेकिन एक जगह आपका माइनस है तो यानी जैसे ही पावर माइनस में दिखे ये पॉलिनोमियल नहीं है और तीसरा एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे थोड़ा ध्यान से देखिएगा जैसे सेवन एक्स का पावर है ना एक्स का पावर टू बाई थ्री प्लस फाइव एक्स का पावर थ्री क्या ये पॉलिनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहां पर एक्स का पावर क्या दिख रहा है फ्रैक्शन में दिख रहा है तो मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी वेरिएबल का पावर अगर फ्रैक्शन में हो या माइनस में हो निगेटिव हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा तो आई थिंक कि आप थोड़ा समझ में आ गया है कोई परेशानी नहीं लेकिन एक हम आपको स्पेशल केस दिखा रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए यही हमारा टेंथ का कभी कभी किसी को पूछा जा सकता है स्पेशल केस जहां वो नहीं दिखता है माइनस और ना ही वो फ्रैक्शन फिर भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता है तो बच्चों ये पहला केस देखिए जब हमारा रूट क्लियर नहीं हो पाए मतलब रूट सॉल्व नहीं हो पाए तो वो क्या होगा वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा यानी वेन रूट इज नॉट रिमूवड रूट इज नॉट रिमूव्ड अगर आप रूट को हटा नहीं सके बउआ अगर आप रूट को हटा नहीं सके है ना किस पर से वेरिएबल पर से अगर रूट आप हटा नहीं सके तो ये आपका फिर क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा किस पर से रूट हटाना है वेरिएबल से आइए एक एग्जांपल देखते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा बउआ जैसे मान लीजिए थ्री एक्स फोर ऐसे देखिए बउआ थ्री एक्स और यहां पे हमारा रूट लगा हुआ है एंड यहां पे लगा हुआ है फाइव एक्स क्यू ऐसे दिया है तो क्या मैं इस रूट को हटा सकता हूं कि नहीं हटा सकता हूं यस वी कैन कैसे तो यहां हम जानते हैं थ्री और ये x का पावर फोर है तो यानी x स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट हट जाएगा प्लस फाइव एक्स क्यू यानी ये पोलोमल हो गया लेकिन अगर लिया हुआ है फाइव एक्स का रूट दिया हुआ है ऐसे एंड प्लस फाइव एक्स स्क्वायर क्या ये रूट अब हटेगा नहीं हटेगा क्यों क्योंकि x का पेयर नहीं बन पाया तो ये रूट नहीं ना हटेगा जिसका पेयर बन जाता है वही रूट ना हटता है बउआ जिसका जोड़ा बन जाता है वही ना बाहर निकल पाएगा तो यहां पर x का कोई पेयर नहीं है जिसके कारण से जिसके कारण से वो रूट क्लियर नहीं होगा रूट नहीं हटेगा अब एक और स्पेशल केस थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये पोलोमल नहीं होगा ये दूसरा स्पेशल केस है बुआ कि अगर कभी भी वेरिएबल अगर कभी भी वेरिएबल बट्टा के नीचे यानी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में हो तो भी वो पोलिनोम नहीं होगा जैसे फाइव एक्स क्यू बट्टा एक्स ध्यान दीजिएगा अब प्लस सेवन एक्स दिया हुआ है तो बच्चों ये एक्स ऊपर तो चला जाएगा ना जी पहले ऊपर लेके देखिए एक एक्स से एक एक्स एक कट गया तो क्या बचा हुआ फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स तो क्या ये पोलिनोमल होगा होगा क्योंकि नीचे कोई डिनोमिनेटर में पावर नीचे में कोई वेरिएबल नहीं ना बचा लेकिन अगर हम यहां पर दे सी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा सेवन 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 प्लस एक्स है ना और यहाँ नीचे हो जाए एक्स ध्यान दीजिएगा तो क्या ये पुण्यमेल होगा क्योंकि ऊपर में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा बुआ सेवन एक्स का पावर माइनस वन एंड प्लस एक्स तो ये पुण्यमेल नहीं होगा तो ये था हमारा पहला टॉपिक पहचानने का नियम ध्यान से समझ में आ गया सभी को समझ में आ गया पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए क्या करते हैं बच्चों बच्चों ध्यान से सुनिएगा पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए पहला नियम क्या है पहला क्या मतलब लास्ट नियम है कि आपका पावर जो होगा वेरिएबल का वो ना तो निगेटिव होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए मेरी बात समझ में आ गई अब हम लोग को जानना है है ना अब हम लोग को जानना है बउआ अब हम लोग को जानना है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ये आप लोगों का मतलब थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ये सारी चीज़ें आपको जो है है ना इसको आ, ये यहाँ पर मिल जाएगा तो इसमें जो है अब एक टॉपिक इसको मिटा देना आइडेंटिफिकेशन आपको पता भी होगा कोई एक स्नैप ले लीजिए ताकि हम ये कर रहे तो हम आपको उसको पी के रूप में भी बना के भेज दें कोई एक बच्चे ही ले लीजिए कोई एक बच्चे स्नैप कर लीजिए है ना कोई एक बच्चे स्नैप कर लीजिए इस टॉपिक का हो गया बुआ मिटा देना अब देखो यहां पे देखो चलो बुआ प्लीज यहां पे अब हम लोग का अगला टॉपिक है जो क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बुआ क्वेश्चन कैसे, कैसे बनाएंगे तो पहला टॉपिक ध्यान से सुनिए यही है हम लोग का बउआ यही टॉपिक है अब देखो पहला दूसरा टॉपिक पहला टॉपिक हमने क्या देखा बुआ क्वेश्चन को पोलिनोमियल को पहचानने का कि हम लोग पोलिनोमियल कैसे पहचानेंगे दूसरा टॉपिक है बउआ बउआ दूसरा टॉपिक है दूसरा टॉपिक है कॉफी सी कॉफी ध्यान दीजिएगा कॉफी सी कॉफी एंड कॉफी एंड जीरोज कॉफी एंड जीरोस ध्यान से समझिएगा कॉफिशियंट्स का पहले मतलब समझिए एंड जीरोस का पहले मतलब समझिए कॉफिशियंट्स आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा सब बच्चों ने कॉफिशियंट पढ़ा होगा तो बच्चों एक क्वेश्चन हम आपको बताते ताकि आपको याद आ जाए कॉफिशियंट जैसे मान लीजिए फोर ए बी सी मैंने एक एग्जाम्पल दिया मैंने एक एग्जाम्पल दिया फोर ए बी सी ठीक है और मैंने आपसे पूछा कि बाबू इसमें बताओ कॉफिशियंट ऑफ कॉफिशियंट ऑफ ए बताओ कॉफिशियंट ऑफ ए बताओ तो हम सिर्फ ए को हटा लेंगे और जो बचेगा वही उसका कॉफिशियंट है ए को हटा लेंगे क्या बच गया फोर बी सी इसका कॉफिशियंट हो गया कॉफिशियंट ऑफ बी बताओ क्या हो जाएगा फोर ए सी कॉफिशियंट ऑफ बी सी बताओ क्या हो जाएगा फोर ए जिसका कॉफिसियंट मांगता है लोग उसको उसमें से हटा देना है जो भी बचेगा वही उसका है है एंड याद बच्चों zeros, zeros का मतलब होता है जब भी आप किसी का वैल्यू पॉलिनोमियल में रखें वेरिएबल का वैल्यू अगर उस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मतलब यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, विच गिव्स, है ना विच गिव्स, गिव्स रिजल्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल रिजल्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल रिजल्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज जीरो मतलब जिस वैल्यू को रखने पर जिस वैल्यू को रखने पर आपका पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए ये भी आपने नाइन्थ में पढ़ा था याद कीजिए पी एक्स पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस थ्री तो अगर मैं यहां पे पी का वैल्यू थ्री ले लूँ एक्स के जगह तो एक्स के जगह यहां थ्री रखना होगा तो थ्री माइनस थ्री रिजल्टेंट क्या हो गया जीरो इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू थ्री था वो क्या कहलाएगा बुआ जीरो याद करा दिया कि कॉफिसियंट किसको कहते हैं एंड जीरो थोड़ा सा आ, एक्टिव रखिएगा है ना स्नैप ले दे आप लोग मत लीजिए या कोई एक ले ले ताकि हम उनको भेज देंगे ग्रुप में भेज देंगे है ना आपको परेशान नहीं होना तो ये याद हो गया सभी को अब दिमाग में आ गया अब देखिए इसको अब इसको हम लोग कैसे करेंगे बुआ ध्यान दीजिएगा इधर बुआ अब देखिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बउआ अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां से क्वेश्चन अब आपका शुरू हो रहा है देखिए बच्चों एक बात याद रखिएगा कि बेसिकली आपके पॉलिनोमियल में भी दुई को टॉपिक हम लोग को पढ़ना है है ना टेंथ में दुई पढ़ना है यानी पोलिनोमियल में हम लोगों को क्या पढ़ना है बउवा पॉलिनोमियल में हम लोगों को क्या पढ़ना है आपने नाइन्थ में डिग्री के आधार पर टर्म के आधार पर बहुत सारा पढ़ा है लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसमें भी क्या पढ़ना है क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है क्वाड्रेटिक आपके बुक में आर एस अग्रवाल में दूसरे प्राइवेट पब्लिकेशन में क्यूबिक दिया है और इवन टी में भी ऑप्शनल में क्यूबिक दिया है लेकिन बोर्ड में कभी क्यूबिक नहीं पूछी जाएगी क्योंकि वहां साफ शब्दों में लिख दिया है कि दिस पॉइंट दिस एक्सरसाइज इज नॉट फॉर द एग्जाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछी नहीं जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में क्या आने वाला है क्वाड्रेटिक तो बुआ क्वाड्रेटिक सब लोग जानते हैं ना कि जिसका पावर टू हो जाए जैसे मान लीजिए एक डिग्री डिग्री समझते हैं ना बउआ डिग्री का टू हो जाए डिग्री का मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर बउआ ध्यान दीजिए उस मत देखिए यहां पर देखिए जिसका डिग्री टू हो जाए बच्चों यहां ध्यान दीजिए जिसका डिग्री टू हो जाए तो बच्चों एग्जांपल में आ जाओ जैसे फाइव स्क्वायर क्या ये पोलिनोमियल है यस है और ये किस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सॉरी किस तरह का पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक का है क्योंकि इसका डिग्री क्या है बुआ टू अब अगर मान लेते हैं कि सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस सिक्स है तो क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या हो गया था आ, वो रिकॉर्डिंग में रहता है फाइव एक्स स्क्स एक्स प्लस सिक्स बउवा देखिए यहां, यहां पर लास्ट में यहां पावर कितना दिख रहा है टू दिख रहा है इसका पावर क्या दिख रहा है तो तो इसमें पावर कितना है तो क्या ये है, है. क्या क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक अब बहुआ एक ध्यान से सुनिएगा का जनरल फॉर्मेट क्या होता है जनरल फॉर्मेट एकदम ध्यान से समझते चलना है ये सब इंपॉर्टेंट है एकदम ध्यान से समझिए क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मेट क्या होता है जनरल फॉर्मेट

थ्री माइनस थ्री प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर क्या ये जनरल फॉर्मेट में है? नहीं, है नहीं है हाँ सजाना पड़ेगा देखिए जनरल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है आप इंग्लिश पढ़ते हैं एप्लीकेशन में आपको रूल पढ़ाया गया ना कि राइट right साइड या लेफ्ट साइड में ऐसे लिखना है फिर नीचे बॉटम लाइन में क्या होना चाहिए मैटर अलग है लेकिन फॉर्मेट तो होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है यही फॉर्मेट है यानी पावर टू वाला सबसे आगे दिखेगा यानी जिसका हाईएस्ट पावर टू है वो सबसे आगे दिखेगा तो यहां देखो बुआ ए यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है सेवन एक्स स्क्वायर तो ये सबसे आगे आएगा सेवन एक्स स्क्वायर पावर वन वाला बीच में आएगा प्लस फाइव एक्स एंड जो आ गया वो माइनस थ्री तो ये हो गया जनरल फॉर्मेट समझ में आ रहा है भाई एक और देखे ध्यान से समझो भाई अब सब सवाल है ध्यान से समझिए सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री अगर मैं आपको कहूं कि बाबू क्या ये सेवन एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है तो है तो क्वाड्रेटिक है लेकिन क्या ये जनरल फॉर्मेट में है नहीं है तो इसको आप जनरल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करोगे तो यहां लिखोगे सेवन एक्स स्क्वायर सेवन एक्स स्क्वायर प्लस जो नहीं है उसके लिए जीरो एक्स एंड प्लस जीरो याद रखिएगा लेकिन जनरल फॉर्मेट में लिखना है तो है समझ में आ रहा है ना मेरी बात मेरी बात समझ में आ रही है तो अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा बऊआ अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मान लीजिए लेट थोड़ा ध्यान से देखिएगा लेट द लेट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लेट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इसको एकदम थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा लेट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कौन-कौन हो गया ax2 bx c मान लिया कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्मेट ही ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो बउआ इसका कॉफिशियंट बताओ तो कौन कौन है कॉफिशियंट क्या क्या है बउआ कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया a कॉफिशियंट ऑफ x क्या हो गया बउआ x हो गया b एंड कॉफिशियंट ऑफ कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज c क्लियर है बउआ मेरी बात समझ में आ रही है ये c हो गया अब हमने ये तो देख लिया कॉफिशियंट तो देख लिया अब इसका जीरोज के साथ क्या रिलेशन है थोड़ा ध्यान से सुनिए नाउ नाउ इट्स जीरो देखिए एक बात और याद रखिएगा बउआ जिसका जितना डिग्री होगा ना उतना जीरोज जरूर होगा तो इसमें डिग्री कितना है बउआ टू तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे जीरोज कितने होंगे टू ध्यान से समझिए इसके डिग्री कितने हैं टू तो नंबर ऑफ कितने होंगे टू तो इसका मतलब हो गया कि नाउ इसका जीरोस हम लोग क्या मान लिए यानी पहला जीरोस मान लिए बउवा फर्स्ट जीरोस मान लिए अल्फा पहला जीरोस क्या हो गया अल्फा एंड दूसरा जीरोस हमने मान लिया सेकंड जीरोस हमने मान लिया दैट इज बीटा That is beta. अब इसमें यानी कॉफिशियंट एंड जीरो में रिलेशन बताना है तो पहला रिलेशन है बहुत पहला रिलेशन है आपका आंसर जो आया वो सही है कि नहीं यही चेक करना है आपका तो इसमें पहला चेक करना है यही है रिलेशन रिलेशन से चेक करना है रिलेशन से अच्छा क्वेश्चन आएगा तो एक चेक करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए पहला चेक ये हो गया जीरोज एक तरफ जीरोज है और एक तरफ देखिए क्या है कॉफिसियंट इसीलिए इसका नाम है कॉफिसियंट एंड जीरो अब दूसरा नियम से चेक करना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इसी से पूरा चैप्टर इतना ही से पूरा चैप्टर आएगा तो अब इसको पहले स्नैप ले लीजिए इस पर हम एक दो खाली क्वेश्चन डेलीबरेट करेंगे टॉपिक आपकी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और घर पे जाकर आप प्रेम से सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा एक दो क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे है ना यही है हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलिए हो गया बुआ समझ में आ गया ना इधर वाला पहले मिटा देते हैं ध्यान से सुनिएगा इधर वाला पहले मिटा देते हैं ये वाला मिटा देना देखिए रब कर दे अल्फा माइनस हाँ वो क्वेश्चन नहीं है बाबू वो हमारा फैक्टराइजेशन और आइडेंटिटी बेस्ड है है ना जब अल्फा माइनस बीटा अगर दिया हो तो इसका मतलब है है कि वो हमारा आइडेंटिटी बेस्ड जैसे A B के होल स्क्वायर को हम चाहें तो ए माइनस बी के भी तो होल स्क्वायर में बदल सकते हैं अगर हम प्लस माइनस फोर ए बी कर दें तो प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी कट जाएगा तो बचेगा क्या माइनस टू ए बी तो इसका मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर में चला जाएगा तो वो एक रूल है नियम इतना ही है माइन माइनस का कोई नियम नहीं है नियम इतना ही है लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आते हैं माइनस में वो हम लोगों को आइडेंटिटी से कन्वर्ट करना होता है बाबू यहां पर ध्यान दीजिए अब हाँ देखिए अब हमारा कुछ क्वेश्चंस हैं है ना यहां पर देखिए एकदम सिंपल वाला पहले बनाइए हमेशा याद रखिए कि आप मैथ्स को फील करना है मैथ्स को हैं हाँ? हाँ तो ध्यान से सुनना है मैथ्स को फील करने के लिए आपको क्या करना होगा बेसिकली आज कल जो मैथ्स हम लोगों के सामने हो रहा है या घट रहा है उसमें ज्यादातर मैथ्स के बहुत ही हाई टोन्ड क्वेश्चन हमारे सामने गुजरता रहता है मतलब बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल या कह सकते हैं कि बेस्ट क्वेश्चन जो किसी भी किताब में हो सकता है तो वो जो बेस्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है अचानक से तो पहले हमारा बेसिक क्लियर होगा तब ना हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे थोड़ा सोच पाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को पहला कोशिश करना है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पे पहले हम मजबूत बने पहले इसका सारा रूल को फील कर लें तब ना हम किसी बेस्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हमेशा याद रखना है कि शुरुआत शुरुआत मेरे को याद है हम आपको एक बार कई बार बोले हुए थे एक बच्चा मेरे को कार सिखाने के लिए हमारी गाड़ी जब हमने खरीदा कार खरीदा तो एक बच्चे को हम बोले कि बाबू कार चलाना सीखना है तो उसी ने खरीदवाया था तो हमने कहा कि तुम सुबह सुबह मॉर्निंग में पहुंच जाओ सो तुम हमारे गाड़ी के साथ बैठना तुम चलाना थोड़ा सा हम चलाएंगे तो तुम थोड़ा देखना कहाँ गड़बड़ हो रहा है क्या हो रहा है नहीं तो वो बच्चा आया और रोज दिन आ जाता था तो एक दिन गुस्से में आकर के वो चलती हुई गाड़ी अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा चलती हुई गाड़ी में गेट खोलकर हमसे बात करते हुए कह रहा है है ना कि सर आप ही बैठिए हम बोर हो जा रहे हैं है ना तो अब आप समझ सकते हैं कि मेरी गाड़ी किस स्पीड से चल रही थी कि वो चलते हुए में आराम से उतर के बात भी कर रहा है है ना और हमको मतलब कह रहा है कि सर हम जा रहे हैं और गेट बंद कर दिया चल भी गया तो सोच सकते हैं कि गाड़ी मेरी कैसे चल रही होगी तो उसी बच्चे को कई दिनों के बाद कई दिनों के बाद मैंने जब जब मैंने गाड़ी चलाना मतलब थोड़ा बहुत सीख लिया तब मैंने उस बच्चे को फिर से बोला कि बाबू आप थोड़ा सा आओ कभी देखो कैसे चला रहा तब जब हमने चलाया तो जब बहुत अच्छा चलाया ड्राइव किया तो उस बच्चे ने पूछा कि सर मुझे यकीन नहीं होता है कि आप जब धीरे धीरे चला रहे थे जब मैं इतना बोरिंग हो गया था तो आज कैसे आप इतना अच्छा चला पा रहे हैं तो मैंने उसको सिर्फ इतना कहा था कि बाबू जब धीरे चला रहे थे तो बाकी सारी चीजों को महसूस कर रहे थे कि मेरी गाड़ी का डायमेंशन क्या है उस रोड जिस रोड पे हमको चलना है उसकी डायमेंशन क्या है ताकि हमारा ड्राइविंग बहुत ही आगे चलकर स्मूथ हो किसी में तरह की परेशानी नहीं हो तो जब आप गाड़ी पे बैठते हैं तो गाड़ी का डायमेंशन भी आपको पता होना चाहिए कि भीड़ भाड़ में क्यों आके दूसरे गाड़ी में टच करता है क्योंकि आपको अपनी ही गाड़ी का फीलिंग नहीं है कि मेरी गाड़ी कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है मेरी बात सुन रही है तभी ना आप थोड़ा सा भी कट आता है तो गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी में सट जाता है तो तो पहले उसको फील करिए तो धीरे धीरे चलाना कहीं से भी यह साबित नहीं करता कि आने वाले समय में वो तेज कभी नहीं चलाएगा यह गलत है धीरे धीरे यानि धीरे धीरे चलाना चलाना यानी शुरू में यह साबित करता है कि आने वाले समय में आप सबसे बेस्ट ड्राइवर बन सकते हैं बस बेस्ट कार ड्राइविंग कर सकते हैं मेरी बात समझ में आ रही है तो याद रखिएगा मैथ्स भी उसी तरीके का है मैथ्स में भी सबसे पहला कोशिश होनी चाहिए पांच गो क्वेश्चन बनाइए दो को क्वेश्चन बनाइए अच्छा क्वेश्चन बनाइए हल्का क्वेश्चन बनाइए जिससे आप क्वेश्चंस को फील कर लें ये सारा नियम आपके दिमाग में बैठ जाए समझ में आ रहा है भाई तो यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए px एक पॉलिनोमियल हमने उठाया देखो बुआ ध्यान से मैंने उठाया 2x2 प्लस बुआ ध्यान दीजिएगा 4x2 प्लस अगर मैंने यहां पर 12x लिया और यहां पे 9 ले लिया ठीक है बुआ 9 थोड़ा ध्यान से देखिए तो अब हमको पहले इसका जीरोज निकालते हैं पहले हम इसका, इसका, इसका तो yes, यानी हमारा कॉफिशियंट क्या हो जाएगा कॉफिसियंट क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू हो गया फोर बी इज इक्वल टू बता दो जल्दी से है ना क्योंकि गौर से देखिए बी किसका है एक्स का तो एक्स के साथ जो है तो वो ट्वेल्व एंड सी जल्दी से बता दीजिए wow. नाइन यानी ए बी सी निकालना आपने सीख लिया एकदम आराम से सीख लिया अब थोड़ा ध्यान से सुनिए इसका जीरोस बनाइए ए बुआ इसका जीरोस बनाइए जीरोस कैसे निकालेंगे यानी फाइंडिंग जीरो तो जीरोस निकालने के लिए बुआ जीरोस निकालने के लिए आपके पास कौन कौन से मेथड है जीरोस निकालने के लिए कौन कौन से मेथड है नहीं आपके पास मेथड्स हैं वही है आइडेंटिटी आइडेंटिटी आपके पास आइडेंटिटी है आइडेंटिटी है और एक दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं एम टी बी एम टी बी बोले तो मिडिल टर्म ब्रेकर आइडेंटिटी में कौन कौन सा आइडेंटिटी है बउवा बउवा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी आपके पास कौन कौन सा है एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा ना एंड दूसरा है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्स बी स्क्वायर एंड तीसरा आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसको बोलते हैं ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये आइडेंटिटी होगा तीन आइडेंटिटी से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और एक तो आप सब जानते हैं बुआ मिडिल टर्म स्प्लिट याद कीजिए बीच वाले को दो में तोड़ना है ताकि जोड़ने पर बीच वाला आए और गुना करने पर फर्स्ट और थर्ड का बराबर हो याद है ना तो इसको चेक करिए तो बुआ ये किस पर निकलेगा ये हमारा आइडेंटिटी पे निकल जाएगा तो इसको तोड़िए बुआ पी एक्स इज इक्वल टू पहले यहां समझ लीजिए ये फोर एक्स स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं टू एक्स का स्क्वायर एंड प्लस यहां नाइन है तो क्या लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर और यहां पे देखिए प्लस ट्वेल्व है तो क्या हो जाएगा टू इन 2x into 3 आएगा। गौर से देखो तो बुआ, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x square, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, and 2ab बैठाएंगे तो ये गुना हमारा कितना आ रहा है? 2l। इसका मतलब क्या होगा बुआ? 2x plus 3 का होल स्क्वायर इसका मतलब हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है? x equal to कितना आ रहा है? minus 3 by 2। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझे, नहीं समझे। मतलब 2x एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर है तो 2x टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो माइनस थ्री बाई टू तो इसका मतलब हो गया अल्फा ए बाबू यहां ध्यान दो अगर आपको एक ही वैल्यू आया है किसी भी पॉलिनोमियल में अगर एक ही वैल्यू आया है तो यह साबित करता है कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर है माइनस थ्री बाई टू क्लियर है अब हम चेक करें कि क्या मेरा यह आंसर सही है या नहीं इसको चेक करने का रूल मैंने क्या बताया आइए चेक करते हैं बउआ चेक करो जल्दी से कि मेरा यह सही है कि नहीं उस पर चेक करो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था माइनस बी बाई ए तो अल्फा के जगह क्या रखेंगे माइनस थ्री बाई टू प्लस बीटा के जगह क्या रखेंगे माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू माइनस बी बताओ तो बता जल्दी से ट ए बताओ तो जल्दी से फोर तो क्या आ जाएगा फोर थ्री या टूवेल्व इधर करो तो बुआ यहाँ पे टू कैल्शियम टू है ना यहाँ क्या आ जाएगा माइनस थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू इधर कितना आया माइनस थ्री ये कितना आएगा माइनस सिक्स बाई टू और ये कितना आया माइनस थ्री बाई वन तो टू से कटाओ थ्री क्या आ गया माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री देखो ये सही हो गया ना इसका मतलब क्या हुआ कि यह मेरा जो रूट आया है वो एकदम सही आया जीरो जो आया वो क्या आया है एकदम सही आया है तो बच्चों कल आप लोग का काम बस इतना है कि आप एक बार एन का पॉलीनोमियल एग्जाम्पल एक और एक्सरसाइज अगर आप सब लोगों ने बना लिया है बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर लिया है तो कोई टेंशन नहीं है किसी तरह की परेशानी नहीं है हम लोग थोड़ा स्पीडली भागेंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स है है ना अगर सब लोगों को लगता है कि नहीं मेरा पहला एक्सरसाइज पॉलिनोमियल बहुत अच्छा से क्लियर है एक बार सिर्फ आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा एंड क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिएगा एनसीआरटी का अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में डाल देंगे आप लोग कल लेते आएंगे लेकिन हम आपको दो क्वेश्चन बताएंगे कल ध्यान से सुनिएगा दो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में क्वेश्चन कंफर्म पूछी जाएगी ओके गाइज ओके गाइज नाइस डे हाई हेलो व्यूअर्स थैंक्स फॉर ऑल थैंक्स थैंक्स